क्या बोला मैंने? मेरे कैमरे को बिना पूछे हाथ नहीं लगाना, ठीक है? गुस्सा तो नहीं हो? गुस्सा हो? हाँ आप कैमरा भी लेने दे देते ना, इसलिए बेटा, तो कैमरा टूट जाएगा ना। यार चलो टूटेगा जान दो, नहीं आप ना। यहीं रुक जाओ, हम जाते हैं फिर, ठीक है? आप आ गए मेरे साथ, आ जाओ। लो ब्लॉग की शुरुआत कर दो फिर, क्या बोलते हैं? व्हाट्स अप गाइस, शाम के 5:45 बजे और ठीक यहाँ से 1 घंटे बाद हमारा एक और टूर स्टार्ट होने वाला है। और ये मम्मा है कि आप तक तो आए नहीं, और ये कभी मम्मा कभी मम्मा अब मम्मी तक के आए लिए, नहीं है, मम्मी के बारे में, क्या बोलते हो? मम्मी आज देर लगा देगी, आप आज नहीं आएगी अब। अच्छा, तो मम्मा को छोड़ के जाए क्या? बस अरे आएगी आएगी। हम तो जा रहे हैं। आपका लोअर रखा? नहीं, मैं मुझे ये पहननी थी। बेटा पहननी थी नहीं होता है, जो मैं बोलूँ वही पहनना पड़ेगा, जो मैं बोलूँगी वही करना पड़ेगा। चलो चल यार, आओ पंजा ले यार। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। बाई बस जा रहे हैं इस बार, क्योंकि नांदेड़ से सिटी डिस्टेंस ऑलमोस्ट 600-700 किलोमीटर है, और 700 किलोमीटर ड्राइव करके जाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो गोवा तक भी गया था, लेकिन ड्राइव करके जाऊंगा तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, और मेरे पास इतना भी समय है नहीं। ट्रेन भी है लेकिन ट्रेन से नहीं जाना है, क्योंकि ट्रेन में इतना हाइजीन हम लोग नहीं मेंटेन कर पाते। ऑब्वियसली वॉशरूम यूज़ करना पड़ता है, लेकिन बस का यूँ होता है कि सैनिटाइज होती है आपके सामने, और सैनिटाइज आप खुद भी कर सकते हो आराम से अपने अपने बर्थ पे। सो सीधे जहाँ पे भी आपको वॉशरूम अच्छा दिखे वहाँ वॉशरूम आप यूज़ कर सकते हो। इधर मॉर्निंग में उठो, फटाफट दर्शन करो, और उसके बाद क्यों घुसे जा रहे हो मेरे? बोलो, ये क्लियरिटी तो अच्छी दिख रही है रात में। हाँ, तो क्या मैडम, पैसा भी वैसा इन्वेस्ट किया है ना मैंने, इसमें जाना था, उस पे जाना था। जाओ, कोशिश करो ध्यान से कहीं वहीं ना बजाओ। एक्चुअली हम लोग आरओ को नहीं ले रहे थे, क्योंकि 7 साल से, सॉरी 10 साल से छोटे बच्चों को अलाउड नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स फिर से गलत बोलूँगा मैं, क्योंकि मेरी गाड़ी बंद हो चुकी है। अभी सुबह के 6:30 बज चुके और रात में 2:30 बजे हमारी बस बंद हुई थी, और 3 से 4 घंटे के बाद दूसरी बस आई है औरंगाबाद से। अब यहाँ से जाएंगे हम शिरडी में, मतलब ऑलमोस्ट हम 4 घंटा लेट है। सुबह 5:30 का टाइम था, अब जाते जाते हमें बच जाएंगे 10, और जो भी लॉज वगैरह करने के लिए एटलीस्ट आधा घंटा तो लगेगा ही लगेगा। अब टाइम होगा कट टू कट, क्योंकि हमारा 1 से 2 के बीच का दर्शन का टाइम है। पहले यूँ था कि सुबह पहुँचेंगे, नाश्ता करेंगे, आराम से नहा धो के आराम से जाएंगे। अब आराम वाला काम नहीं रहा, अब थोड़ा सा भागा भागा करना पड़ेगा। और हमारे साहब को तो पता ही नहीं था, साहब तो ऐसे सो गए कि बस पूछो मत। और गोविंद बोला सुसु करो, उठा नहीं। फिर यहाँ से जैसे ले गया सुसु कर दी, फिर यूँ बोलता अच्छा सुसु आई थी मुझे तो पता ही नहीं था। पापा पापा की बात माना करो, पापा के बच्चे हो आप, तो आपको कब सु आती है कब ही आती है सब पता होता है पापा को, ठीक है? ये जो ट्रक है, ट्रक के पीछे हमारी वाली गाड़ी है बंद पड़ी हुई। इतना पीछे पड़ते हैं यहाँ के लोग, इतना पीछे पड़ते हैं, सर ये रूम कर लो वो रूम कर लो, यहाँ आ जाओ यहाँ नाश्ता कर लो, फ्री सर्विस है, हम ऑटो से छोड़ देंगे आपको, वहाँ से प्रसाद लो। अरे यार सच में, क्या हो जाती है, ऊंचाई कम पड़ जाती है। पान पराग खाया करो, ऊंचे लोग ऊंची पसंद पान पराग। इट्स 12:01 बजे का हमारा पास है, और उससे पहले हमने सोचा कि खाना खा लो, क्योंकि एटलीस्ट 1-1.5 घंटा लग सकता है। अभी की सिचुएशन हमें पता नहीं है, लेकिन शिरडी में ऑब्वियसली इससे ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन कम नहीं।
इट्स बेटर कि अभी खाना खा लो। एक तो मैडम का ऐसा है ना, अगर खाना नहीं मिलता है तो फिर सारा दिन सर दुख रहा है, सर दर्द दे रहा है, सर दर्द दे रहा है। देवस्थान जो होते हैं ना, वहाँ पे लोग इतना इतना परेशान करते हैं, जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं होटल्स के मामले में, कि सर ये होटल कर लो, वो होटल कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, और आपका माइंड सेट भले ही फिक्स हो जाए कि हाँ मुझे यहाँ नहीं यहाँ जाना है, फिर भी वो आपका माइंड डाइवर्ट कर ही देते हैं। और आफ्टर ऑल आप वहाँ जा ही जाते हो, और वहाँ जाने के बाद ऐसा लगता है कि काश यहाँ मैं नहीं आया होता। एनीवे छोड़ दीजिए, एक दिन की बात है, कोई इशू नहीं, एडजस्ट होना है। हाँ, हालांकि हम लोग बाहर निकले खाना खाने के लिए, फिर भी बंदा बोले जाता है यहाँ मत जाइए सर, वहाँ जाइए, ये वाला होटल अच्छा है, ये वो वाला अच्छा है। हमने कहा यार हमको खाने दे, सही में छोटा पर्स होगा तो चलेगा। आनंद जायसवाल, दर्शन हमारे हो चुके, हम लोग जा रहे हैं अभी रूम पे, 3 बजे। सोच रहे शनि सिंगनापुर जाए कि नहीं जाए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, सोचते रूम पे जाके। पीछे 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 सो फाइनली हमने डिसाइड कर ही लिया कि हम शनि सिंगनापुर जाते हैं। एक्चुअली हुआ यूँ कि जैसे मैं मेरे होटल पे गया किद्दू, सो जैसे मैं होटल पे गया, मेरे होटल के जो ओनर था उन्होंने बोला आप शनि सिंगनापुर भी जाए हो। अब मेरी इच्छा तो थी नहीं टू बी ऑनेस्ट, बट उसने एक सेंटेंस बोल दिया कि आज सैटरडे है अच्छा रहेगा। मैंने कहा यार ठीक है जान दो, अभी इतना सब लोग इंसिस्ट कर रहे हैं, ममता को भी बड़ी इच्छा थी, चलो चल ही लेते। शनि सिंगनापुर अगेन, आई एम शूटिंग इन माय मोबाइल, सो ऑडियो क्लियरिटी 19-20 हो जाएगी, एडजस्ट कर लेना यार। आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क, मैं कैमरा ले जाऊं फिर वहां पे बोले कि नहीं कैमरा हटाओ बंद करो। चला जाओ। हो गए हमारे शनि सिंगनापुर जी के भी दर्शन। अंदर कैमरा वैसे तो अलाउड नहीं था, लेकिन सारे लोग फ़ोटोज़ खींचते थे, फिर मैंने सोचा यार चलो थोड़ा बहुत शूट कर ही लेते। और गाड़ी में हम इतना सोते हुए आए, इतना सोते हुए आए कि पूछो मत। और भैया ने भी ऐसे 1980s के गाने लगा रखे थे, जैसे ही गाने बजना स्टार्ट हो गया आरओ तो सो ही गया। उसके बाद फिर ममता की विकेट गिरी, और उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरी विकेट गिरने लगी। बट गाने बड़े यूनिक लगा रहे थे भैया सच में, मतलब ये भी अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे, बहुत सारा डेवलपमेंट होना बाकी है, बट एंट्रेंस जो है अच्छी खासी डेवलप हो रही है। ये एंट्रेंस बहुत अच्छी लगेगी जब ये स्टार्ट हो जाएगी, अभी जिस एंट्रेंस से हम लोग है वो पुरानी वाली थी। थैंक यू। ये पता है जब मैं छोटा था तभी 1-2 रुपये मिलते थे, अब 10 रुपये मिलने लगे। क्या ये क्या शैतानी है भाई। ऑल सेट, अभी निकली है हमारी सवारी रिटर्न टू शिरडी। कल का प्लान कल बनेगा। आई थिंक हमें व्लॉग को भी यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, है ना, बहुत लंबा हो गया, और अभी मेरी शूट करने की इच्छा भी नहीं है, थक गया हूँ यार बहुत ज़्यादा। एक तो ना कल रात को नींद नहीं हुई, आपको तो पता ही है क्या क्या सीअप्पा हुआ, गाड़ी फेल, ये वो ऑल दैट। सो इट्स बेटर कि अब व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, घर जाके आराम से सोएंगे। होप यू लाइक द व्लॉग, अगर पसंद आए तो बोलो ना, एंडिंग तो करो। निकला हुआ क्या बोलते हो? इतना धीरे कौन बोलता है बे? चलो अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, बगैर जाना मत, प्लीज़ 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 प्लीज़। और नए हो, पहली बार इस ब्लॉग को देख रहे हो, तो रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है एक बार दबा दो, अगर पसंद आया तो, नहीं पसंद आया तो कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ मजा ले लो, बाय बाय, जिंदगी बड़ी मजा है।
बैल की ना बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो थक चुका है, उसे बाहर आना है। देख के इतनी दया आ रही थी, बट क्या कर सकते। मैंने उसे पूछा भी कि यार शायद इसे नहीं करना ये काम, तो बोलता है कि नहीं थका नहीं है, बोले कर ले। जब हम इंसान भी अजीब है ना, ज़बरदस्ती कुछ एनिमल्स बोलते नहीं है तो काम करवाते ही है, करवाते ही है, करवाते ही है। मैंने उनसे कहा कि अगर कोई कस्टमर नहीं हो तो छोड़ दिया करो। बोलते लॉकडाउन में तो खुला ही पड़ा था, बोले 6 महीने घर बैठ के खाया। हाँ ना यार, बड़ा बुरा। पता है उसने बहुत कोशिश करी बैल ने बाहर निकलने की।